सामा भाई क्या हाल है? करम है जी, अल्लाह पाक आप सुनाए कैसे हैं? दुआ है जी। दो दिन तो यार गुजर गए ईद में, सही बताऊं ना? गुजर गए, बस क्या कर सकते हैं, ईद ही गुजर गई। गुजरनी थी ईद तो पहले। मैंने कहा मेहमान दोस्त आए हुए हैं, बिल्कुल शायद इनका तारुफ हुआ या नहीं हुआ, ये वो बंदा है जिसने अड्डे पे इंटरव्यू किए चौक में, इंटरव्यू किए थे। बड़े लोग पूछते थे कि यार आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लेवल का। बस क्या करें, अब जैसा है वैसा है। तो यार आपने वो झुकते क्यों मारी थी, वो जो रेडी पे बैठे थे चार? नहीं वो तो बस मजाक के तौर पे मैंने कहा था, कुछ तो होना चाहिए यार, ताकि पब्लिक देखे भी एंजॉय भी करे, तो इसी वजह से। भाई आप हमारे मेहमान हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। मुगरा साहब आप तो मेजबान ही, आप तो इधर की बासी हैं, तो क्या किश्ते में भी ऐसी जगह है खूबसूरत अगर लोग एंजॉय करना चाहते हो? नहीं किश्तियाँ भी बिल्कुल काफी खूबसूरत सिटी है। अच्छा, लेकिन मिंचनाबाद से अच्छा है, लेकिन मिंचनाबाद की आवाम को चाहिए कि इधर का ख्याल रखें सफाई सुथराई का, और बर वक्त जो भी तरीकेकार बताएंगे सफाई के लिहाज से उनको फॉलो करना चाहिए। सही बात, इसकी वजह से शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है, लोगों में इजाफा होता है, यही बात है। ये जगह तो काफी खूबसूरत है बिल्कुल, लेकिन इधर मिंचनाबाद की जो आवाम है उनको भी खास ख्याल रखना पड़ेगा मिंचनाबाद का, क्योंकि आवाम के साथ ही होता है सब कुछ, क्योंकि वो चाहेंगे तो मिंचनाबाद शहर खूबसूरत हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। इसके तो पैगाम सबके लिए यही है कि सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, जैसे कि अभी ईद गुजरी है तो उसपे तो काफी खास ख्याल रखना चाहिए। नहीं वैसे हुकूमत ने बड़ा साथ दिया, हुकूमत ने बिल्कुल साथ दिया, और जो उनकी खासतौर पे कुछ तंजीमें भी हैं यहाँ पे प्राइवेट, वो भी बड़ा बेहतरीन। यही ऐसा ही हाल हमारे चिश्तियाँ में था कि काफी सफाई सुथराई का ख्याल था, और लोगों ने इस दफा बहुत समझदारी का काम दिखाया चिश्तियाँ में। अच्छा, मिंचनाबाद को अभी मैं थोड़ी देर पहले पहुंचा, इतना विजिट नहीं किया।